इवनिंग एवरीवन। आमतौर पर आप सभी के घर में पाया जाने वाला सस्ती से सबसे अच्छी चीज़ है नींबू। उसका जूस बहुत ही बेनिफिटेड पहुंचाता है हमको। हमारे घर में बहुत ही इजीली ये चीज़ अवेलेबल है। इस वीडियो में हम लेमन जूस का बेनिफिटेड सुनेंगे और उसको यूज भी करेंगे अपनी बॉडी की बेनिफिट के लिए। इसमें क्या कुछ नहीं मैंने डाला, इस जूस में सिर्फ नींबू और पानी, काला नमक और हरा मिर्च। इसी में आपका ये जूस इतना सुंदर घर में कम दाम में, इतना कम दाम में आपका बन जाएगा। बाहर से अगर आप कोई आर्टिफिशियल जूस खरीदते हैं उसका तो हेल्थ के लिए बुरा असर पड़ता है। ये घर में बनता है, एक मिनट से भी कम टाइम में आपका बन जाएगा। और जो चीज इसमें डाला है वो तो आपके घर में जरूर होगा और बहुत ही कम दाम में ये नींबू मिल जाएगा आपको। एक रुपये दो रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। और आपका बॉडी के लिए अगर इतना बेनिफिटेड पहुंचाएगा तो ये रस क्यों ना यूज किया जाए। तो इसको आप जरूर यूज करिए, मैंने इसको किया। लेकिन मुझे आपको और एक चीज बताना है, इसमें ज़्यादातर डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनका मुंह का स्वाद चला जाता है, उनको कोई टेस्ट नहीं आता है। तभी आप ये जूस थोड़ा सा यूज करिए, देखिए कितना बेनिफिटेड मिलेगा आपको। इमीडिएटली आपका जीभ के अंदर टेस्ट वापस आएगा, आपको फील होगा नहीं मैंने कुछ टेस्ट किया है। इसमें थोड़ा सा काला नमक डालिए, हरा मिर्च डालिए और नींबू भी डालिए और इसको आप यूज करिए। आपको पता चलेगा नींबू का रस का कितना बेनिफिटेड है। ये इतना सिंपल सा दिखने वाला चीज़ आपको कितना कुछ दे जाता है। नींबू क्या फायदेमंद है मैं आपको सरल तरीके से बताती हूँ। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, वजन कम करने में सहायक होता है, पाचन शक्ति सुधारता है, त्वचा के लिए तो फायदेमंद है ही है। तो इसमें इतना सारा क्वालिटी है। तो नींबू में और क्या है, इसमें विटामिन सी जो 88% पाया जाता है, विटामिन बी जो 6.5% पाया जाता है और प्रोटीन 1.1 ग्राम इसमें है। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें भी है, उसमें उसका कैलकुलेट है 3%। तो नींबू में इतना सारा बेनिफिटेड है, जरूर ट्राई करिए।